वेलकम टू एजुक्लिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके मॉर्निंग की शुरुआत हमारे साथ। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए रोज का डबल डोज, जिसमें है एक कैप्सूल दो कदम। आज है 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिटेल से बात करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आज के करंट अफेयर्स की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हर एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ चाहे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों, कल का कैप्सूल लिया क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेल्थ ATM कियोस्क सेवा किसने शुरू की है? तो ये सेवा शुरू की है इंडियन रेलवे ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय रेल ने अपने यात्रियों के लिए नई सेवा हेल्थ ATM कियोस्क शुरू की है। इसके जरिए यात्री स्टेशन पर हेल्थ चेकअप कर सकेंगे। हेल्थ ATM कियोस्क के जरिए यात्री ₹50 देकर बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, मेटाबॉलिक एज, सिस्टोलिक BP सहित सेहत से जुड़े 16 पैरामीटर्स की जांच करा सकेंगे। अब यह सेवा शुरू की है रेलवे ने, तो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है भोपाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर। भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया है। यह क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों की दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान को सक्षम करेगा। अब यह स्थापित हुआ है भोपाल में, तो भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ तथा मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौर मंडल का सर्वाधिक चांद वाला ग्रह कौन बना है? तो ये बना है शनि। ऑप्शन सी राइट आंसर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लेनेट सेंटर ने शनि के आसपास 20 नए चांद खोज लिए हैं, जिससे इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है, जिससे यह 79 ज्ञात चांद वाले बृहस्पति को पछाड़कर सौर मंडल का सर्वाधिक चांद वाला ग्रह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जेम्स पीबल्स को, मिशेल मेयर को, दिदियर क्वेल्योज को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों आंसर सही हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिजिक्स का 2019 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जेम्स पीबल्स, जो अमेरिका के हैं, इनको फिजिकल कॉस्मोलॉजी में थ्योरेटिकल खोज के लिए, एवं मिशेल मेयर जो स्वीडन के हैं व दिदियर क्वेल्योज वे भी स्वीडन के हैं, दोनों को सूर्य जैसे तारे का चक्कर काट रहे एक्सपो प्लैनेट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 11 अक्टूबर से नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य भारत और विदेशों से कोऑपरेटिव ट्रेड को बढ़ावा देना है, जिससे ग्रामीण और कृषि को समृद्ध बनाया जा सके। अब यह फेयर आयोजित होगा नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल तथा दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गंगा आमंत्रण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्र सरकार ने गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत की है, जो गंगा के स्टॉक होल्डर के साथ जुड़ने की एक अनूठी पहल है। इसका शुभारंभ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। गंगा आमंत्रण अभियान का प्रारंभ देवप्रयाग से तथा अंत गंगा सागर से होगा। इस पहल का उद्देश्य
जल संरक्षण के संदेश को बड़े पैमाने पर फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के 4 जहाज पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं केन्या की यात्रा पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय नौसेना के 4 स्वदेशी निर्मित जहाज अपने पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के लिए केन्या के मोम्बासा में 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। यह प्रशिक्षण भारतीय नौसेना की प्रवासी तैनाती का एक हिस्सा है। इन जहाजों में INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल और इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज सारथी शामिल है। अब ये गए हैं केन्या की यात्रा पर, तो मैप में देखिए केन्या, केन्या की कैपिटल है नाबरोबी, केन्या की करेंसी है केन्यन शिलिंग तथा केन्या के प्रेसिडेंट हैं अहुरु केन्याटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बर्ड पोस्ट डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब क्वेश्चन आया है इम्पोर्टेंस डे का, तो आप मेरे साथ इस मंथ के अभी तक के सभी इम्पोर्टेंस डे रिवाइज करो। 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड टीचर्स डे, 8 अक्टूबर को मनाया गया था इंडियन एयरफोर्स डे और अब 9 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड पोस्टल डे। तो जब भी इम्पोर्टेंस डे का क्वेश्चन आए तो आप मंथ के अभी तक के सभी इम्पोर्टेंस डे रिवाइज किया करो। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को बार बार रिवाइज किया करो, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से आप उन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े आर्कटिक अभियान में शामिल होने वाले शोधकर्ताओं में कौन इकलौते भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं विष्णु नंदन। ऑप्शन सी राइट आंसर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मूल निवासी 32 वर्षीय ध्रुवीय शोधकर्ता विष्णु नंदन आर्कटिक क्लाइमेट अभियान के अध्ययन के लिए वेधशाला में शामिल 300 वैज्ञानिकों में से एकमात्र भारतीय हैं जो शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन और मौसम के इम्प्रूवमेंट को बेहतर रूप से समझाने में मदद करेंगे। अब ये हैं केरल के, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन तथा केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने वीर कुटुंब रैली का आयोजन कहाँ किया है? तो ये आयोजन किया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर स्थित डिवीजन ने एक वीर कुटुंब रैली का आयोजन किया है जिसका उद्देश्य सेना के वीर सिपाहियों, विधवा और उनके परिवारों तक सहायता पहुंचाना है। अब यह रैली आयोजित की है इंडियन आर्मी ने, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तथा इंडियन आर्मी के जनरल हैं बिपिन रावत। अब देखिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन, हाल ही में फरिश्ते दिल्ली की योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है अरविंद केजरीवाल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरिश्ते दिल्ली के योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हीरो महिला इंडियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है क्रिस्टीन बोल्फ ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की गोल्फ प्लेयर क्रिस्टीन बोल्फ ने हरियाणा के गुरुग्राम में हीरो महिला इंडियन ओपन का खिताब जीता है। इन्होंने नॉर्वे की मारिन स्कॉर्प नॉर्ड को हराकर यह खिताब जीता है। भारतीय खिलाड़ियों में अनिका वर्मा 5वें स्थान पर रही हैं। अब ये हैं ऑस्ट्रिया की, तो मैप में देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो तथा ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर बेंदर बेलन। अब टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है हरियाणा में, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़,
हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर तथा हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब आपके लिए आज के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज़्यादा लिखोगे फिर आप वो कभी नहीं भूल पाओगे, तो आप इसकी हैबिट बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।